हेलो एवरीवन, निमंत्रण पे आप सबका स्वागत है। आज मैं बना के दिखाऊंगी महाराष्ट्र का फेमस स्ट्रीट फूड पाव भाजी। सबसे पहले एक गरम कढ़ाई में 2 चम्मच पीनट ऑयल डाल दिया। ये तेल अच्छी से गरम हो गया, इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी जीरा, सरसों और एक हरी मिर्ची तोड़ के। इसे थोड़ी सी चला लिया। इसके बाद डाल देती हूँ कटे हुए आलू, कटे हुए फूलगोभी, थोड़ी सी कटे हुए बीट और गाजर। ये बीट डाल देती हूँ कलर के लिए और टेस्ट भी थोड़ा मीठा मीठा आ जाते हैं, इसमें बैलेंस हो जाते हैं। अब डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। एक चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर। अब अच्छे से सारे मसाला मिला लेती हूँ। ये मसाला अच्छे से मिला लिया और डाल देती हूँ कटे हुए 1 शिमला मिर्ची और 1 कटोरी हरा मटर और थोड़ी सी चला लिया। एक बड़ा सा टमाटर काट के डाल दिया, अच्छे से भून लिया। अब इसमें डाल देती हूँ गरम पानी। पानी ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ उबलने के लिए थोड़ा सा ही डालना है, 1 कप जैसा। ये सारी सब्जियों को अब एक कुकर में डाल के 2 से 3 सीटियां लगा लेती हूँ। इसका पेस्ट नहीं बनाने का है, इसका मैश करना है। सब्जियां अच्छी से मैश हो गया। अब गरम कढ़ाई में बटर डाल दिया। बटर थोड़ा ज्यादा ही डालना है क्योंकि पाव भाजी बटर के बिना अच्छे नहीं लगता। थोड़ा सा तेल भी डाल दिया। ये तेल बटर को जलने से बचाएगा। तेल और बटर अच्छे से गर्म हो गया। अब 1 लाल मिर्ची तोड़ के डाल दिया। उसके बाद थोड़ी सी बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज को थोड़ी सी चला लिया।
अब दे देती हूँ एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची। पाव भाजी का कलर बढ़िया आता है। इसे थोड़ी सी चला लिया। इसके बाद दे देती हूँ एक बड़ा चम्मच पाव भाजी मसाला। अब दे देती हूँ एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इस सबको अच्छी से भून लिया। अब इसमें दे देती हूँ एक कटे हुए टमाटर। सबको अच्छी से भून लिया। अब डाल देती हूँ एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक। नमक टेस्ट के हिसाब से देना है। ये सब कुछ अच्छी से भून लेना है। सबको अच्छी से भून लिया। थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और अच्छी से थोड़ी देर भून लूँगी। उसके बाद मिला देती हूँ धनिया पत्ता। धनिया पत्ता भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना है। पाव भाजी में धनिया पत्ता टेस्ट को और बढ़ा देती है। इसे भी थोड़ा सा मसाला के साथ भून लेती हूँ। अब इसके साथ मिला देती हूँ वो मैश किया हुआ सब्जियाँ। पाव भाजी का सब्जी ज़्यादा पतला नहीं बनाने का और ज़्यादा सूखा भी नहीं। ज़्यादा सूखा बनाने से पाव को खाने का टाइम सूखा लगता है। पाँच मिनट मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दिया। आधा नींबू निचोड़ के डाल देती हूँ। फ्लेम बंद कर दिया। भाजी रेडी हो गया। अब रेडी करना है पाव को। ऐसे दो पाव लिया और इसको बीच में ऐसे करके काट लेती हूँ। इधर तवा गरम होने दिया और थोड़ा सा बटर डाल दिया। बटर को तवा पे फैला दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा भाजी डाल दिया। फिर पाव को इसके ऊपर सेक लेना है। अच्छी से सेक लिया दोनों साइड से। पाव भी रेडी, भाजी भी रेडी। तैयार हो गया पाव भाजी। अब बारी प्लेटिंग की। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। इतना टाइम मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू।